Assalamualaikum students, मैं हूँ राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन नोट 99 पर. स्टूडेंट, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है. ठीक है, फिर उसके बाद जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वॉज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उस पर हमने बात की थी. ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे. And remember, this topic is very much important for your exam section. ठीक है, और the property is elevation of boiling point. Elevation of boiling point. एक solution के boiling point की elevation. इसको हमने यहां पर discuss करना है as a colligative property. तो ये second कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसकी हम यहां पर बात करेंगे. सबसे पहली चीज यहां पर देखनी है एलिवेशन का क्या मतलब है. देखिए, एलिवेशन का लफ्ज निकला है एलिवेट से, इट्स मीन इंक्रीज. तो यहां से ये बात आपके सामने क्लियर हो जाती है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. अब ये बात क्यों करने या क्यों करने की जरूरत पड़ी. देखिए, आपने राउल्स लॉ पढ़ा था, हमने ये कहा था कि जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. और आपको ये बात पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है. बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल वेपर प्रेशर. ठीक है, तो जब आप उस सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. अब उस वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल के बराबर करने के लिए प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. इट्स मीन कि जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के मुकाबले में ज्यादा होगा. तो इट्स मीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो आप इसको कह सकते हो कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैज कंपेयर्ड टू प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में जो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आती है दैट इज नोन एज एलिवेशन. या ये भी कह सकते हो, या आप इसको यू भी डिफाइन कर सकते हो कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. एक प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक हो गया, यहां तक आपने इस बात को समझना है. अब इसकी मेन और इंपॉर्टेंट चीज हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझेंगे और आपको एक बात क्लियर हो जाएगी. अमूमन आपकी बुक के ऊपर एक ग्राफ बना है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, उस ग्राफ को भी हम क्लियर करेंगे और इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा. देखिए, हम ये करते हैं, लेट्स सपोज कि ये हम कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं. दिस इज वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर. ठीक हो गया, ये एक्सटर्नल प्रेशर और यहां पर हम लेते हैं टेम्परेचर. ठीक हो गया, अब यहां एक लाइन या एक पॉइंट एज्यूम कर लो कि ये पॉइंट जो है दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू 180, दिस प्रेशर इज इक्वल टू 180. इसमें इस साइड पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, तो हम कहते हैं कि दिस पॉइंट इज एट 180. आप इसको इस तरह से डैश लाइन से लिख लो. ठीक हो गया, अब इस पर आप मेंशन कर लो कि लेट्स सपोज दिस इज 25 डिग्री, 50, 75, 100. ठीक हो गया, ये बात क्लियर. अब यहां पर हम ये बात सपोज करते हैं कि हमने क्या किया, हमारे पास एक कंटेनर में आपने एक प्योर
सॉल्वेंट लिया, क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक हो गया। अब ये प्योर सॉल्वेंट हमने किस टेम्परेचर पे लिया, ये सपोज करो 25 डिग्री पे। सॉल्वेंट किधर लिया, 25 डिग्री पे, और एक सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट है 25 डिग्री पे, इसका अपना एक वेपर प्रेशर, सपोज लेट सपोज कि 25 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर ये इतना बनता है। बात समझ में आ गई कि हमने ये सॉल्वेंट लिया 25 डिग्री पे, इसको रखा हुआ है। अब 25 डिग्री पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, इधर है, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि ये यहां पे आ जाएगा, इट्स ओके, क्लियर। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ बर्निंग बर्नर हम इसको हीट करेंगे, जैसे जैसे हम उसको हीट करेंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। अब बढ़ते बढ़ते इसका वेपर प्रेशर जब बढ़ते बढ़ते यहां पर पहुंचेगा, इट्स मीन ये जो टेम्परेचर आएगा, दिस इज नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट, इसको आप कह दें टी वन। इट्स मीन आपको ये बात क्लियर हो गई हो, ठीक है ना, क्या हमें यह बात पता है कि जब भी किसी भी लिक्विड का इंटरनल वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तो वो बॉयल करना स्टार्ट कर लेगा, और जिस टेम्परेचर पर ये दोनों बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इट्स मीन इस प्योर सॉल्वेंट के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहां पर आ गया। अब यहीं से देखें हमने क्या किया, वो सॉल्वेंट था, वो प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था, और आपने क्या किया उसके अंदर हमने सॉल्यूट ऐड किया। जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे, लेट्स सपोज यहां पर वो भी आ गए, सॉल्यूट भी आ गया, तो इसका मतलब है एट 25 डिग्री, एट 25 डिग्री आपने बात पढ़ी हुई है कि जब एक सॉल्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट्स मीन इसी जगह पर अगर ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था तो अब सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा या कहीं पे भी, लेट्स सपोज हम कहते हैं यह कम हो गया। अब आप इसको हीट करना शुरू करें, टेम्परेचर देना जाए, देते जाए, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते देखो उसी तरह से ग्राफ इसका बढ़ता जाएगा। अब ये कहां पर जाके इक्वल हो, उसके साथ तो नहीं हुआ, किधर इक्वल है, यहां पर इस जगह पर इस सॉल्यूशन का अपना वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर हुआ। इट्स मीन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, टी टू। दैट इज बेसिकली ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो आपको उम्मीद है यहां से ये बात क्लियर हो गई होगी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। तो एक प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा हो जाना, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा हो जाना, दैट इज बेसिकली ड्यू टू वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर की वजह से होता है। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया। अब यहां पर एक चीज याद रखनी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के सिलसिले में That is very much important. Ebullioscopic constant, ebullioscopic constant or molal boiling constant. ये term आपने याद रख लिया, ebullioscopic constant or molal boiling constant. सिंपल, वेरी सिंपल है। हम ये कहते, ये मोलैलिटी से रिलेटेड है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में, या आप ये सिंपल कह लो कि आपने एक सॉल्यूशन 1 मोलल बनाया हुआ है, एक सॉल्यूशन आपने कितना बनाया है, 1 मोलल सॉल्यूशन अगर लिया हुआ है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगी, दैट इज नोन एज बिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट आर मोलल बॉइलिंग कॉन्स्टेंट। इसको अब लिखते हैं के बी से, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर
ये जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आया है इसको जरा सा आप लेंगे, क्योंकि आपको ये बात मैंने एक्सप्लेन की है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का हमारा मकसद क्या होता है, हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए। ठीक हो गया। अब देखिए, डेल टी बी दैट इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया। याद रखना है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज T2 - T1, ये तो हमारे पास यहां से आएगा, लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन है दैट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? मोलैलिटी। इट्स बी डेल टी बी इज इक्वल टू और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। बात को जरा देखें, मैं एक बात कह रहा हूं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपने पढ़ा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस बात पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, इट्स मीन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट्स मीन डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ओके, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। एम इज मोलैलिटी, के बी इज एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। देखिए, आपने मोलैलिटी के लिए पढ़ा हुआ है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2 / M2 × 1000 / W1। मोलैलिटी और मोलैरिटी सिमिलर है। ठीक है, कि जब आप सॉल्वेंट का भी वेट लेते हो तो दैट इज मोलैलिटी, और जब आप सॉल्वेंट को मिलीलीटर्स में या लीटर्स में या डेसीमीटर क्यूब में लोगे तो दैट विल बी मोलैरिटी। ठीक हो गया। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ये बनेगा। अब इस फॉर्मूले को अगर यहां पे भी पुट करूं, डेल टी बी इज इक्वल टू व्हाट, के बी मल्टीप्लाई बाय W2 / 1000 / M2 / W1। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से देखिए, अगर आपको किसी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आई है, इंक्रीज आई है, वो पता है, सॉल्वेंट का अपना मॉलिक्यूलर वेट पता है या सॉल्वेंट की अपनी अमाउंट पता है और सॉल्यूट का मोलर मास पता है, तो आप उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। आई मीन के जिस भी सॉल्वेंट में ये जो एलिवेशन आई है, जिस सॉल्यूट की वजह से एलिवेशन आई है, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम यहां से इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने ये बात ये की थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होती है, किससे हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से जहनशीन हो गया होगा। स्टिल अगर इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर